कितनी बड़ी महिमा है। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा कहा, विष्णु कहा, महेश कहा, लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद, इतनी उपाधि देने के बाद भी सदगुरु को फिर भी संतोष जब नहीं हुआ तो अंतिम में कह दिया गुरु साक्षात पर ब्रह्म हो। उस ब्रह्म में, उस परमात्मा भगवान में और गुरु में इतना सा भी भेद नहीं है, इतना भी भेद। वह हरि नर रूप में, गुरु के रूप में हमको कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं। आहा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशो बड़े भाग और आवही जासु। श्री गुरु चरण, ध्यान देना, पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु के चरणारविंद की जो मणि प्रकाश है वो ऐसी ज्योति, वो ऐसा प्रकाश है कि हमारी आंखों को दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। दिव्य दृष्टि, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। गुरु कृपा जब जीवन में आती है तो हमें अच्छा बुरा समझ में आता है, उचित अनुचित समझ में आता है, वो दिव्य दृष्टि मिलती है, वो परखने की दृष्टि मिलती है, इन इन आंखों को वो शक्ति मिलती है कि हम फिर परखना जानते हैं, हमें कर्तव्य बोध प्राप्त होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो कब? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, वो गुरु चरणों के पद नख की, चंद्रिका की जो ज्योति है, वो प्रकाश जब हमारे आंखों को प्राप्त होता है तो हमारी आंख धन्य हो जाती है। परिणाम, दलन मोह तमसो सप्रकाश। अलर्ट होकर के बैठना पड़ेगा जी। वो एकाध मोह नहीं, दलन मोह, जीवन के जितने भी मोह है, मैं और मेरा है मोह। ये मोह क्या है? मोह क्या है? मोह निशा सब सोब निहारा और देखत स्वप्न अनेक प्रकार। हम लोग मोह रूपी निशा रात्रि में सोए पड़े हैं, गहरी नींद में सोए पड़े हैं। मोह निशा, मोह निशा माने मैं और मेरा, मैं और मेरा। जब तक जीवन में मोह रहेगा तब तक जीवन का अंधकार दूर हो नहीं सकता। और ये मोह मिटेगा कैसे, प्रश्न उठा, बोले गुरु चरण कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। जब तक गुरुदेव के चरणों की कृपा के भाजक नहीं बनेंगे तब तक दलन मोह तमसो सप्रकाश बड़े भाग और आवही जासु। गुरुदेव के चरण चंद्रिका का दर्शन पाकर परिणाम क्या होगा? बोले उगरई बिमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के।
मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार रूपी अंधकार से, उन दोषों से, काम क्रोध मोद, भवरजनी, भवरजनी से तात्पर्य क्या है? अरे भवरजनी का सीधा मतलब है निशाचर। निशा माने रात्रि। निशाचर का सीधा मतलब है जो रात्रि में चले, विचरण करें, उनका नाम क्या है? निशाचर। और रात्रि में कौन चलता है जी? काम क्रोध मोह लोभ दंभ, ये जितने विषय हैं, ये निशाचर, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। बोले किसकी कृपा से? बोले गुरुदेव की कृपा से, गुरुपद की कृपा से। मिटही दोष दुख, जीवन के जितने भी दोष हैं, जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, गुरुदेव की कृपा से सब मिट जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे।